वेलकम टू इजी कुकिंग। आप देख रहे हैं इजी कुकिंग। आज मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर करने जा रही हूँ, रियली इजी और सिंपल है। आपको मैं ये और दाल फ्राई ढाबा स्टाइल की बनाना सिखाने लगी हूँ। ये देखें, ये उड़द दाल है जिसको मैंने तकरीबन 2 घंटे पहले अच्छे से धो के भिगो लिया था। ये आप देख सकते हैं। अब उड़द दाल बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरे पास ये 4 चम्मच ऑयल है, प्याज है 2 मीडियम साइज़ की थी, अगर बड़ी है तो 1 रख लें, नमक, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, गार्लिक, ग्रीन पेपर, जिंजर, टमाटर और लेमन। अब चलें बनाना शुरू करते हैं। बनाने का तरीका, वेलकम टू इजी कुकिंग। आप देख रहे हैं इजी कुकिंग। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ रियली ही सिंपल फ्राई दाल की रेसिपी। ये मेरे पास उड़द दाल है, इसको मैंने अच्छे से भिगो, साफ तो हमारी हर साफ ही होती है, जस्ट मैंने इसको धो के भिगो लिया है। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे हो गए इसको भिगोए हुए। अब दाल बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, सबसे पहले ऑयल है 4 चम्मच, प्याज 2 है मीडियम साइज़ की, अगर 1 डाल रहे हैं तो बड़ी 1 डाल दें, यहाँ पे गार्लिक, ये ग्रीन पेपर, जिंजर, टमाटर, लेमन, मसाले में नमक, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, गरम मसाला। चले बनाना स्टार्ट करते हैं। चलें अब पकाना स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी, ये उड़द दाल। सबसे पहले मैंने चूल्हे पे हांडी चढ़ा दी, थोड़ा पानी है निकाल दूँ, निकाल दिया। ऑयल 4 चम्मच, प्याज चॉप्ड की, हल्की ब्राउन होने दें, प्याज ब्राउन हो रहा है। अब इसके बीच मैंने ये गार्लिक डाल दिया, गार्लिक डालने के साथ हल्दी, लाल मिर्च और नमक डाल के मिक्स किया और थोड़ा सा पानी डाल दिया कि मसाला जल ना जाए। टमाटर जो हमने ग्रेन करके रखे बने वो डाल दिए, इसको अच्छे से पहले पकने दें। यहाँ पे मसाला पक रहा है, ये मेरे पास अदरक और हरी मिर्चें, यहाँ पे कूटा हुआ धनिया है, ये उड़द की दाल है। जैसे ही मसाला पकेगा पहले उड़द की दाल तड़के में डाल देंगे। ये जो मसाला बनाया इसमें से ऑयल निकलने लगा है, दैट्स मीन कि ये पक चुका है। अब मैं इसमें ये उड़द की दाल डालने लगी हूँ, इसको डाल के भूनती हूँ थोड़ी देर के लिए, फिर इसको दम पे लगा देंगे। इसमें पानी इतना नहीं डालेंगे, के सामने ही डाल दिया, जो रहती वो भी डालती हूँ। अब मैं इसकी बुनाई करती हूँ। यहाँ पर मैं दाल भून रही हूँ, इसको तकरीबन 4-5 मिनट भूनूँगी, उसके बाद 1/2 कप पानी डाल के इसको दम पे रख दूँगी। अभी ये मैं भून रही हूँ, भूनने नहीं हुई है। दाल भूनने हो चुकी है, अब ये साथ लग रही है, लेकिन इसमें 1 कप पानी डाल के बिल्कुल हल्की सी आंच पे दम पे रख दें। 1 कप पानी डाला, मिक्स की और दम पे रखने लगी। दम पे रखने की वजह ये है कि दाल उससे गल जाएगी और अच्छी भूनने हो जाएगी।
5-6 मिनट के बाद मैंने इसका दम खोला और देख लिया। ये देखिए अब दाल को देखते हैं, ये थोड़ी सॉफ्ट हो गई है। अब इसको साथ साथ देखते रहिएगा क्योंकि ये एकदम से बहुत सॉफ्ट होके बिल्कुल ऐसे हो जाएगी, इसलिए थोड़ी थोड़ी आप घुमाते रहें और इसको साथ देखते रहें। ये दाल तो ऑलमोस्ट परफेक्ट तैयार हो चुकी है। अब हम करने क्या लगे, थोड़ा सा एक बर्तन में 3 चम्मच तेल डालूंगी। 3 चम्मच तेल डाल के ये ज़रा सा प्याज है ये पकाऊंगी, उसमें हरी मिर्च और ये जीरे डालूंगी और ये जो कूटा हुआ धनिया है, ये तीनों चारों चीज़ें पका के तो दाल में डाल देंगे। पैन चढ़ा दिया चूल्हे पे, 3 चम्मच ऑयल डाला, ज़रा सा आनियन है ये डाल दिया। जैसे ही आनियन थोड़ा ब्राउन होने लगे गार्लिक और ग्रीन पेपर डाल दें। जैसे ही ये थोड़ी सी पकने लगे उसमें ये धनिया पाउडर डाल दूँगी, डाल के दाल के ऊपर डाल देंगे। यहाँ पे प्याज भून रही है, अगर पसंद है तो एक तेज पत्ता भी डाल दें। ऑलमोस्ट ब्राउन हो गया है ये डाल दिया और 1 मिनट के अंदर अब उसके ऊपर ये मसाला डालने लगी। ये नहीं जी, दाल पक के तैयार हो गई है। आई होप आपको अच्छी लगेगी, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।